हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 को कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, यानी कि हमें कोई भी सिस्टम फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने से पहले हमें पेन ड्राइव को बूटेबल करना होता है। और बूटेबल करने के लिए हमें किसी न किसी विंडोज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 11 हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 को कैसे डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, और साथ ही साथ पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए उस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले विंडोज 11 के पेन ड्राइव बूटेबल बनाने से पहले हमें विंडोज 11 को डाउनलोड करना होता है। तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज 11 को कैसे डाउनलोड किया जाता है ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है विंडोज 11 डाउनलोड। अब जैसे ही आप लिखेंगे, लिख करके जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे, यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ पर देखिए विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। तो इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, 1-2 MB का होता है, और ये बहुत ही बहुत आसानी के साथ डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ फाइल के यानी कि फोल्डर के लोकेशन पर चले जाना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या करना है, जो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है मीडिया क्रिएशन के नाम से, यहाँ पर उस पर डबल क्लिक करना है और उसके बाद उसको यस कर देना है। यस कर देने के बाद जो फाइल्स हमारी खुली हुई हैं उनको सभी फाइल्स को फोल्डर्स को क्लोज कर देना है, और आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। अब ये रेडी होने के लिए यानी कि आपका जो विंडोज 11 है वो डाउनलोड होने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है, आपके नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से ये काम करता है। जितनी अच्छी नेटवर्क की स्पीड होगी उतनी जल्दी ये स्पीड के साथ काम करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है, एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज एडिशन, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, इंग्लिश यूनाइटेड और विंडोज 11 यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन, और यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, आपको USB फ्लैश ड्राइव यानी कि डायरेक्ट आपको अगर अपनी पेन ड्राइव में डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप पेन ड्राइव में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर में आप ISO फाइल बनाकर रख सकते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे उसको कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बना करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ISO फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए विंडोज़ का नाम डालने के लिए आ रहा है कि आप उसके साथ विंडोज़ कहाँ पर लोकेशन सेव कर देना है। मैं लोकल डिस्क डी में सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं विंडोज 11 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सेव कर देना है, और सेव करने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ये आपके नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से काम करता है, जितनी ज़्यादा अच्छी नेटवर्क की स्पीड होगी उतनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर लिया है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, आप सीधे डायरेक्ट क्या करता हूँ, पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 1% हो चुका है, ऐसे ही आपका 100% हो जाएगा तो ये विंडोज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को इस लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अपने पेन ड्राइव को लगा लेना, मैंने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने डिस्क पीसी में चले जाना है, और यहाँ पर देखिए आपकी पेन ड्राइव जो लगी हुई है यहाँ पर शो कर रही है, मेरी 16 GB की लगी हुई है तो यहाँ पर ये शो कर रही है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने से पहले अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपके पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है तो आप उसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, उसका बैकअप ले लेंगे, नहीं तो जब आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे तो उसमें जो भी डेटा होता है वो सब इरेज हो जाता है, वो आपको फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सारा डेटा कॉपी कर लेना है। तो मैंने पहले से डेटा कॉपी कर रखा है, तो आपको क्या करना है, अब एक सॉफ्टवेयर बताते हैं जिसकी मदद से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं विंडोज 11 के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे अपने कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको टाइप करना है RUFUS रूफिस।
अब इसको डाउनलोड यहाँ पर रोबोट डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये रोफिस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा है रोफोस क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव डिवाइस द एजीवे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑफिशियल इसकी आ जाती है वेबसाइट, और वहाँ पर आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब पूरा डिटेल में दिया गया है कि इसका यूज़ कैसे करना है और आपको पिन ड्राइव कैसे बूटेबल बनानी है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आपके सामने यहाँ पर इसके वर्जन दिए गए हैं, जो भी वर्जन आपको चाहिए वो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए रोफोस 4.0 ये लिखा हुआ है exe, मुझे ये डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह आ जाता है तो उसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज होने के बाद ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर होता है, 2-3 MB का होता है, ये बहुत जल्दी के साथ डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर देखिए 1.5 MB का है लगभग, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको अपनी फाइल लोकेशन चूज कर लेनी है, यानी कि जहाँ पर ये डाउनलोड होकर जाता है डाउनलोड के लोकेशन पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूफोस लिखा हुआ है, रूफोस 4.0। अब इस पर क्या करना है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यस करते हैं, यस करने के बाद आपके सामने एक नई विंडोज़ खोल कर आ जाती है और ये सारे ब्राउज़र आपको बंद कर देने हैं और यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर तो डिवाइस यहाँ पर यानी कि जो पेनड्राइव आपकी लगी होती है उसका यहाँ पर नाम शो करता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क और ISO इमेज यानी कि जो मैंने इमेज डाउनलोड की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपनी जो लोकेशन होती है वहाँ पर आप सीधे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी फाइल के लोकेशन में आ जाता हूँ जहाँ पर हमारी विंडोज़ की फाइल पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स जो मैंने इमेज डाउनलोड की थी वो हमारी डाउनलोड में पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज 11 की ISO फाइल और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपका GPT सपोर्ट करता है तो आप GPT करेंगे, अगर आपका MBR सपोर्ट करता है तो आप MBR सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सेम टू सेम मैं GPT पे, हमारा सेशन GPT सपोर्ट करता है तो मैं GPT ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव को, अगर वॉल्यूम लेवल लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए सबको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए वार्निंग, ऑल डेटा ऑल डिवाइस ये सारी चीज़ें वार्निंग दे रहा है कि आपको अपने पेन ड्राइव से अगर स्टोरेज आपने अपना डेटा कॉपी कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपके सामने ऑटोमेटिक जो भी प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट कर देता है और यहाँ से ये बटेबल बनाना स्टार्ट कर देता है। अब ये आपकी सिस्टम की स्पीड के हिसाब से बहुत ही फास्ट काम करता है। मैं यहाँ पर देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फॉर्मेट करके यहाँ पर कॉपी कर देता है और यहाँ पर देखिए हमारी पेन ड्राइव जो है पूरी तरीके से बुकेबल बना देगा। यहाँ पर ये सारी फाइलें हमारी कॉपी हो रही हैं, इसके अंदर ये प्रोसेस चलता है, ये आपका 10 मिनट 15 मिनट लग सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारी पेन ड्राइव जो है पूरी तरीके से बुकेबल हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि पेन ड्राइव को बोटेबल बनाने के बाद अपने सिस्टम को फॉर्मेट कैसे करते हैं, यानी कि विंडोज 11 अगर हमारा मान लीजिए अपने सिस्टम में डालनी है या फिर विंडोज 10 डालनी है, विंडोज 7 डालनी है, तो वो हम अपने सिस्टम को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप विंडोज 11 को कैसे डाउनलोड करते हैं और साथ ही साथ पेन ड्राइव को बोटेबल कैसे बनाते हैं रूफोस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।